नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक फिजिशियन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपको मैं आयुर्वेद के विषय में बताऊंगा। आयुर्वेद क्या है, यह क्यों बना, इसका क्या उद्देश्य है और कोरोना के इस दौर में आयुर्वेद से हम कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयुर्वेद आयु आप सभी जानते हैं, उम्र या जीवन को कहते हैं, और वेद का अर्थ होता है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद का अर्थ, संपूर्ण अर्थ होता है जिस शास्त्र से हमें आयु के ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह प्रत्येक पुस्तक, वह प्रत्येक साहित्य, वह प्रत्येक वस्तु जिससे आयुर्वेद आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम आयुर्वेद में निहित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, आयुर्वेद क्यों बना, इसका क्या उद्देश्य है? तो आयुर्वेद के आचार्य चरक ने इसके दो उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना। अर्थात आचार्य चरक ने आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य किसी रोग का उपचार करना, किसी रोग का शमन करना नहीं बताया है, बल्कि इसका प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार स्वस्थ बना रहे, तंदुरुस्त व्यक्ति किस प्रकार तंदुरुस्त बना रहे, निरोगी व्यक्ति कैसे निरोगी बना रहे, यह आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। और कोरोना के इस दौर में आयुर्वेद का यह प्रथम उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करके, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करके, नियमित रूप से घर में अंदर रहकर ही व्यायाम करके, योगाभ्यास प्राणायाम करके, स्वस्थ व्रत अर्थात हाइजीन के सिद्धांतों का पालन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कोरोना से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, सात्विक आहार विहार ग्रहण करते हैं, तो हमारी व्याधि क्षमता बढ़ जाएगी और कोरोना से लड़ने में वह बहुत ही कारगर सिद्ध होगी।